सबसे पहले मैं आपको दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपका ये साल बहुत ही आपके लिए खुशहाल रहे। आप इस 2019 में बहुत सारे तरक्की करें। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की। आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। आज बिल्कुल ये नया टॉपिक है, बिल्कुल सबसे हटके टॉपिक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीन अर्निंग शो, यानी 2019 में अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि 2019 में आप कुछ पैसे कमा सकें, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे आप जियो फोन से देख रहे हो वीडियो, या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में, या फिर कंप्यूटर में, कहीं भी आप देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को ज़रूर मिलेगा और हाँ, मोटिवेशन भी ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो आज मैं आपको टॉप 3 अर्निंग सोर्स बताने वाला हूं, जहां से आप बिल्कुल लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। ये नहीं, बहुत से सोर्स ऐसे हैं जहां से आप शॉर्ट टर्म में तो अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि अर्निंग ऐप हो गया, शॉर्ट लिंकर हो गया, यानी किसी भी लिंक को शॉर्ट करके, और भी बहुत ऐसे वेबसाइट है जहाँ पर आपको अर्निंग मिल जाएंगे, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं होता, क्योंकि वो किसी यूट्यूबर का होता है या फिर किसी और डेवलपर का वेबसाइट होता है या फिर वो ऐप होता है, और कुछ दिन बाद वो उस ऐप को या फिर वेबसाइट को बंद कर देते हैं, जिससे कि आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो वो कुछ लिमिट के लिए होता है, लेकिन आज मैं आपको जेन्युइन साइड बताने वाला हूँ, यानी जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ जिससे आज पूरी दुनिया अर्निंग कर रही है। तो आप भी 2019 में अपना प्लान बना सकते हैं, अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और उससे आप भी लाखों लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पहले अर्निंग सोर्स का। तो पहला है दोस्तों YouTube चैनल। दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे कि YouTube चैनल के बारे में तो सबको पता है, तो जी हाँ, सबको पता है YouTube चैनल के बारे में, लेकिन आप 2019 में एक नए स्ट्रेटजी के साथ, एक नए प्लान के साथ अपना एक YouTube चैनल बना सकते हैं और उसे ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, किसी चीज़ के ऊपर आप एक अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आप सोचेंगे कि आज बहुत सारे टेक के चैनल हैं, तो ऐसा नहीं है। आप चाहें तो टेक पे भी बना सकते हैं, आपका चैनल भी ग्रो 100% होगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब यूट्यूब से मतलब 3-4 महीने पहले तक बिल्कुल कुछ नहीं कमाते थे, मतलब रिचार्ज के लिए भी इधर उधर से पैसे मांगना पड़ता था, लेकिन आज वो लाखों रुपये कमा रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ मनोज देव का, वो एक यूट्यूबर हैं, मतलब उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है उसके ऊपर कि मतलब 3-4 महीने पहले उनकी कंडीशन क्या था, और अब वो बिल्कुल लाखों रुपए में खेल रहे हैं। तो यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लाइफ टाइम तो कमा ही सकते हैं, इस पर आप एक अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब से अर्निंग करना, तो आप YouTube चैनल जरूर बनाइए। और मैं ये नहीं कहता कि आप फुल टाइम YouTube कीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप दिन में सिर्फ 2 घंटे या फिर 1 घंटे देकर भी आप YouTube चैनल को चला सकते हैं और उस पर वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। एक दिन में आप एक भी वीडियो डालते हैं, या फिर सप्ताह में एक भी वीडियो डालते हैं, या फिर महीने में एक वीडियो डालिए, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपका चैनल 100% ग्रो हो जाएगा, अगर आपका लक अच्छा नहीं हुआ तो आपका मेहनत उसमें रंग लाएगा और एक ना एक दिन चैनल ग्रो जरूर होगा। बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन का। तो कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब में जाए या फिर कहीं पे भी जाइए, कंपटीशन आपको मिलेगा ही। तो ये टेंशन मत लीजिए, अगर एक बार आपका चैनल ग्रो हो गया तो आप आसानी से ऊपर चले जाएंगे, यानी बहुत टॉप तक जाएंगे। और पैसा पैसा तो पूछिए मत कितना कमाएंगे। अगर आप 2019 में अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हो सकता है उस पर आपको कुछ मदद भी कर दूं, उससे रिलेटेड कुछ वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे मेथड का। तो दूसरा मेथड भी बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है, जिससे आज बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लॉगिंग। जी हाँ, ब्लॉगिंग, यानी आप अपना एक वेबसाइट बनाकर भी अर्निंग कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैंने एक अपना एक वेबसाइट भी बनाया है जिसका नाम है जरूरजाने.com। मेरे चैनल का नाम जरूर जाने था, इसलिए मैंने उसे एक वेबसाइट के रूप में भी कन्वर्ट कर दिया है, जरूरजाने.com। उस पर मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, जब मैं उस पर
काम करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ऐसे ही मैंने अपने वेबसाइट के लिए बनाया था डोमेन नेम जब मैं परचेस किया, तो सोचा एक वेबसाइट बना देता हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं कि वो कैसा वेबसाइट है। और उसी तरीके से या फिर किसी और तरीके से आप एक अपना वेबसाइट बनाकर भी बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसन है तो, बोलते हैं ना कि अगर किसी में जुनून हो तभी वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो कोई उसे कितनी भी मदद क्यों न कर दे वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप में पैसे कमाने का, जीरो से हीरो बनने का या फिर ब्लॉगिंग करने का शौक है तो आप अपना एक ब्लॉग भी बना सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत या कुछ भी होता है परेशानी तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, या फिर हो सकता है तो उस पर जितना हो सके उतना हेल्प करूंगा, उस पर हो सकता है तो वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये सारे ऐसे मेथड है कि मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक बार अगर आप इसमें सेटल हो गए, एक बार आपका वेबसाइट रैंक हो गया या फिर यूट्यूब चैनल आपका ग्रो हो गया, फिर तो आप पूछिए मत कि कितना कमा सकते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसमें यही तो एक फ़ायदा है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक महीने में 10,000 कमा सकते हैं, मतलब 30,000 कमा सकते हैं, 1,00,000 ही कमा सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड है कि मतलब आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना कमा सकते हैं। हो सकता है आप 10,00,000 भी कमाएं, हो सकता है कोई 1 करोड़ भी कमा लेता है, तो ये आपके ऊपर बेस रहता है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप 2019 में एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि इस पे स्टार्ट करें किस में कंपटीशन ज़्यादा, यार कंपटीशन अगर आप देखोगे ना तो कहीं आपको कम कंपटीशन नहीं मिलेगा। अगर आप कंपटीशन के चक्कर में फंस गए तब आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से ब्लॉग अभी भी है जो अभी उसने बनाए और रैंक कर गए। कंपटीशन तो हर क्षेत्र में यार, जैसे मान लो टेक में पहले से बहुत से लोग चल रहे थे टॉप में, लेकिन टेक्निकल गुरु जी भी आए और देखो आज वो टॉप पे पहुंच गए। कॉमेडी में ही देख लो, इसी तरीके से बहुत से पुराने पुराने चैनल है वहीं पे हैं, लेकिन बीबी की बाइंस आए और ऊपर चले गए। तो यार किसी के साथ भी हो सकता है, आप ब्लॉग स्टार्ट करो, अगर आपका मेहनत आपका लक दोनों साथ देता है तो आप भी एक दिन बहुत सारा अर्निंग कर पाओगे। और ये सारे बिल्कुल जेन्युइन है, ये नहीं कि 2 दिन 2 साल 10 साल 20 साल में ख़त्म होने वाले हैं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा, कभी कमेगा नहीं, और इसमें अर्निंग भी बढ़ती ही जाएगी, कमेगी नहीं, क्योंकि सारा दुनिया आज ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या कुछ भी हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट भी बना सकते हैं और वहां से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे और सबसे लास्ट अर्निंग सोर्स का, तो ये है दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो भाई ये भी एक बहुत ही बढ़िया अर्निंग का सोर्स है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जिस तरीके से मान लीजिए अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उनका अगर लिंक आप क्रिएट करके किसी को सेंड करते हैं या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं या कहीं पर भी डालते हैं, अगर उस लिंक पर क्लिक करके कोई ख़रीदता है तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलेगा। यानी मान लीजिए 500 रुपये का एक जूता है, मान लीजिए उसे कोई ख़रीदता है आपके लिंक से, तो 10% यानी 50 रुपये आपको मिलेगा और 500 का वो खरीद ही लेगा। ये भी एक बहुत ही बढ़िया और जेन्युइन तरीका है अर्निंग करने का। एफिलिएट मार्केटिंग के तो पूछिए मत कितने आइडियाज हो सकते। अगर आपने एक अच्छा आइडिया अपना दिमाग स्मार्ट यूज कर लिया ना, तो आप पूछिए मत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक ब्लॉग ही बना लिया, वहाँ पर नाम दे दिया मान लीजिए बेस्ट गैजेट अंडर 200, यानी 200 के अंदर के बहुत सारे गैजेट। अब आप अपना एक एफिलिएट अकाउंट बनाइए अमेजोन पे, पूरा डिटेल मैं दूंगा एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं, सारा डिटेल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिएगा। एफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद मान लीजिए 2000 से नीचे जितने भी प्रोडक्ट हैं आप अपने ब्लॉग पे डाल दीजिए और उस ब्लॉग को अपने फेसबुक पेज पर या फिर कहीं भी पर्सनल फेसबुक पर भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। वहाँ से आके कोई भी अगर अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदता है आपके लिंक पे क्लिक करके, तो सोचिए आपको 10-10% मिलता रहेगा। यानी एक महीने में अगर मान लीजिए 1,00,000 लोगों ने भी खरीद लिया तो सोच सकते हैं बहुत 10,000 तक रुपए आपको अर्निंग हो जाएगा। इसमें यही तो प्रॉफिट है कि लोग अमेजोन से ही डायरेक्ट खरीदेंगे, यानी लोग विश्वास करेंगे कि हाँ मैं अमेजोन से ही तो खरीद रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक फेसबुक अकाउंट है और वहाँ पे आपने कोई सस्ता प्रोडक्ट अमेजोन का एफिलिएट लिंक क्रिएट करके अपने फेसबुक अकाउंट पे डाल दिया कि यार देखो ये कितना मतलब मस्त गैजेट है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का, तो बहुत से लोग होंगे आपके दोस्त जो मतलब गैजेट में इंटरेस्टेड होंगे, वो तो वहाँ पे क्लिक करेंगे ही क्लिक करेंगे। वो जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट चले जाएंगे कहाँ पे, अमेजोन पे। अब अमेजोन पे जाने के बाद अगर वो खरीद लेता है, मान लीजिए 200 का ही तो है, खरीद लेता है तो आपको 20 रुपये मिल जाएगा। यानी इसी तरीके से सोच लीजिए, एक दिन में अगर 10
20 या 100 भी बिक जाते हैं तो सोचिए कितना प्रॉफिट हो जाता है। आपको सुनने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए आप एक नया शॉप ही, जैसे मान लीजिए आपने एक नया अपना एक दुकान खोला, तो दुकान में भी आपको कितना फ़ायदा होता है। मान लीजिए आपने 10 प्रोडक्ट बेचे, मान लीजिए हर एक प्रोडक्ट पे 10% से ज़्यादा थोड़ी ना प्रॉफिट होता है। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए आपने एक नया दुकान खोल लिया, वो भी ऑनलाइन, और वो भी डायरेक्ट अमेजोन का, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का, मतलब अमेजोन पे मान लीजिए आपने दुकान खोल लिया और कोई भी आपके दुकान से ख़रीदता है तो आपको 10% मिलेगा। मान लीजिए आप अमेजोन से सारे प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी लिंक के थ्रू आप उन्हें उनका प्रोडक्ट ले लिया, अब उसे आप बेच रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप इसमें अच्छा दिमाग लगा लिए, माइंडेड हैं, तो आप भी इसमें सक्सेस हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 तरीके जहाँ से आप 2019 में अपना अर्निंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अर्निंग के मेथड हैं जिसे भी आप अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उन पे वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन वो सारे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कुछ दिनों तक होगा। मान लीजिए वो वेबसाइट बंद हो गया या फिर वो ऐप बंद हो गया तो आप अर्निंग नहीं कर सकते, इसीलिए मैं जेन्युइन बताया था। आप अगर इसमें 1 साल भी देते हैं तो आपका एक लाइफ बन जाए, ये नहीं कि 1 साल दिए 1 साल ही प्रॉफिट हो। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर आप 1 साल देते हैं, 1 साल में आपका चैनल ग्रो होता है, तो सोचिए आपका लाइफ बन गया, आपको और कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरीके से ब्लॉग, ब्लॉग पे भी अगर आपका कैरियर बन गया तो सोच सकते हैं इससे अच्छा क्या है, मतलब 10-10 लाख तक आप कमा सकते हैं। तो फिर इसीलिए मैं ये 3 मेथड चुना कि आप फालतू के मेथड पे ना जाएं। अगर आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग चाहिए तभी उन मेथड पे जाएं, अगर आपको लॉन्ग टर्म यानी लाइफ टाइम अर्निंग चाहिए तब आप इन तीनों तरीकों को सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक या फिर तीनों। और अगर आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग करना है तब तो फिर वही फालतू के ऐप, फालतू के वेबसाइट और भी बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कर सकते जितना कि इन तीनों से कर सकते हैं। वहाँ पे मान लीजिए 1 साल तक आप अर्निंग करेंगे, 1 साल तक मतलब उसमें फोकस करेंगे, टाइम लगाएंगे, सिर्फ पैसा मिलेगा, लेकिन इस पे आपको करियर मिलता है, यानी आपको, यानी आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट या डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।